चलो दोस्तों, एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन ऑफ एटम पढ़ते हैं। लास्ट हमने एक एग्जांपल किया था ये रेडियस का, उसके बाद चलते हैं एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन ऑफ एटम होता क्या ये समझने के लिए। इस डायग्राम को मैं थोड़ा जूम कर लूँ, तुम लोगों को अगर याद हो ये क्या होता है, ये सर्कल, सर्कल्स क्या है तो मैं फिर से बता दूँ। ऑर्बिट्स सेंटर में यस, ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट्स हैं। दीज आर दी ऑर्बिट्स, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, डिपेंडिंग अपॉन दी एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन, हेलियम, बेरिलियम, बोरॉन, क्रिप्टॉन, जो भी कुछ है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्बिट में कितने होते हैं, वो तो बात है ही। हमारा कंसर्न ये है, कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसके पास कुछ एनर्जी होनी चाहिए। हमने कहा होती है उसके पास, निगेटिव होती है क्योंकि वो न्यूक्लियस के साथ बाइंड होता है। तो यहाँ पर हमेशा तुम्हें निगेटिव नंबर ही दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर जीरो है। उसके आगे चल के बात करूँगा। फर्स्ट ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है और रिवॉल्व कर रहा है, उसको कॉल करके पूछो कितनी एनर्जी तेरे पास, वो कहेगा मेरे पास है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर उसको बोलोगे कि अगर तुझे मैं ऑफ़र देता हूँ कि सेकेंड ऑर्बिट में तुझे जाना है, तो वो कहेगा मुझे कुछ एनर्जी लगेगी। तो कितनी एनर्जी उसे लगेगी फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जाने हैं, तो हमने बताया था कि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट ऑर्बिट एंड द सेकेंड ऑर्बिट, इतनी एनर्जी उसे लगेगी। ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अभी उसके पास कितनी एनर्जी है, तो यहाँ पे देखा है कितनी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये निकाली कैसे है हमने, ये कांस्टेंट और निकाली कैसे हमने, वो एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, यही है ना, ऊपर जेड स्क्वायर है या नीचे जेड स्क्वायर है, नीचे जेड स्क्वायर है, ठीक, नीचे एन स्क्वायर है। सो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये वाले फॉर्मूला से हमने एनर्जी निकाली। जेड एटॉमिक नंबर, एन कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसकी बात थी। ठीक है, सो ये सेकेंड ऑर्बिट में जाएगा कैसे, अपने आप तो नहीं जा सकता, सो हमें एक्सटर्नल एनर्जी उसे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लाइट उसके ऊपर गिराएंगे, इस एटम के ऊपर कोई लाइट गिराएंगे, फोटोन ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी का ही लाइट चाहिए, फ़ोन का टॉर्च लगाने से काम नहीं होगा, इट रिक्वायर्स स्पेसिफिक इंटेंसिटी की लाइट। ठीक है, ताकि वो उसको वो सफिशेंटली एनर्जी प्रोवाइड करे तो वो एक्साइट हो जाएगा। कोई सेकेंड ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में जाना चाहेगा तो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सेकेंड टू फोर्थ कैलकुलेट करेंगे, उतनी एनर्जी उसको दे दो, वो सेकेंड ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में चला जाएगा। इसी को हम कहेंगे एक्साइटेशन ऑफ एन एटम। ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ एटम फ्रॉम अ ग्राउंड स्टेट, नॉट नेसेसरी ग्राउंड स्टेट और अ लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट जाएगा, एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, तो हम उसे कहेंगे कि उसका एक्साइटेशन हो रहा है। फिर समझते हैं आयनाइजेशन क्या है, इसके ऊपर हम डिटेल में आएंगे नेक्स्ट स्लाइड में। व्हाट इज आयनाइजेशन? इट इज़ द ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी लेवल और ऑर्बिट टू इन्फिनेट और आउट ऑफ द ऑर्बिट, दैट इज रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट एटम बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। अगर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी तुम इसे दे दोगे तो चांसेस है कि ये पूरे ऑर्बिट से भी बाहर निकल जाएगा, या हम ऐसा कह सकते हैं किसी इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिटल शेल से कम्प्लीटली रिमूव करना है तो उसे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी, एंड दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी तो उसको फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में ले जाने के लिए, तो हम कहेंगे एक्साइटेशन एनर्जी, और वो फिनोमिना होगा एक्साइटेशन, सिंपल। अभी कैसे होगा ये, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट इज फोटोन हम इसके ऊपर इंसिडेंट करेंगे एक्साइटेशन या आयनाइजेशन करने के लिए, या कोई फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन मतलब दुबई से आया हुआ पार्टिकल नहीं, एक्सटर्नल पार्टिकल इसके ऊपर हिट करेंगे तो उसको स्ट्राइक ऑफ कर देगा, उस तरीके से भी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइट या आयनाइज हो सकता है। ठीक है, थोड़ा और डिटेल में देखते हैं इन दोनों डेफिनेशंस को। एक्साइटेशन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं, बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब फोटोन कोई एक्सटर्नल एनर्जी देके उसको एक्साइट कर रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ऑर्बिट में, वो जाना चाहता है सेकेंड ऑर्बिट में, तो कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, तो हमने देखा कि फर्स्ट ऑर्बिट में उसके पास कितनी होती है एनर्जी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन होता है तो उसके पास कितनी एनर्जी पजेस होती है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -3.4 ये बड़ा नंबर है, -13.6 ये छोटा नंबर है, निगेटिव में छोटा नंबर बड़ा नंबर होता है, राइट? सो -3.4 इज़ अ बिगर नंबर। तो जैसे जैसे हम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट जाएंगे एनर्जी बढ़ते जाएगी। ठीक है, सो अगर मुझे फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन को भेजना है तो मुझे इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इनका दोनों का डिफरेंस E2 - E1 कितना आया, वो -3.4 माइनस ऑफ माइनस प्लस 13.6 दैट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो ये बाहर से अगर हम सप्लाई करते हैं 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट ऑर्बिट, ही विल जम्प टू द सेकेंड ऑर्बिट इमीजिएटली, नो विथ नो टाइम, इमीजिएटली होगा ये फिनोमिना, बहुत स्पॉन्टेनियसली होता है। अगर गलती से 10.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तुम दिलदार हो तो अगर 10.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी सप्लाई कर देते हो तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस एनर्जी है तो थोड़ा आगे जाएगा, वापस फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाएगा। तो अगर फर्स्ट से सेकंड जाना है तो एग्जैक्टली 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी सप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन जंप होगा फर्स्ट टू सेकंड, फाइन। और एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से आवर इलेक्ट्रॉन इज विशिंग टू गो फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिट टू द थर्ड ऑर्बिट, हाउ मच एनर्जी शुड बी सप्लाई। तो हमने देखा कि थर्ड ऑर्बिटल एनर्जी कितनी होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड की कितनी होती है, हमने कहा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फर्स्ट की कितनी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, का डिफरेंस लिया कितना आया 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी सप्लाई करोगे इलेक्ट्रॉन को तो वो थर्ड ऑर्बिट में जाएगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन ऑफ द एटम। ठीक, आयनाइजेशन की बात कर लेते हैं। आयनाइजेशन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली रिमूव करना है, भले वो फर्स्ट ऑर्बिट में हो, सेकेंड ऑर्बिट में हो, थर्ड ऑर्बिट में हो, वहां से उठा के उसको कम्प्लीटली हमें रिमूव अगर करना है तो उसको हम कहेंगे आयनाइजेशन, और वो एनर्जी जो होगी सप्लाई करनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी। इन एन एनर्जी बैंड टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव एनर्जी होती है क्योंकि न्यूक्लियस के साथ वो जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। व्हेन देयर एनर्जी बिकम जीरो, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बिकम जीरो मतलब फ्री हो जाएगा न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से, तब हम कहेंगे इट विल फ्री फ्रॉम द न्यूक्लियस, निकल जाएगा बाहर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हाइड्रोजन एटम में ले रहा हूँ, हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट शेल में है, तो कोई इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट शेल में है यहाँ पे, ये यहाँ पे देखो, यहाँ से उसे कम्प्लीटली रिमूव करना है इस एटम के चक्कर से, और हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्बिट में इसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम एक्सटर्नली सेम अमाउंट की एनर्जी उसे सप्लाई करते हैं, दैट इज +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय फोटोन बाहर एक्सटर्नल से, तब क्या होगा, देन द टोटल एनर्जी बिकम जीरो, -13.6 उसके पास है, हम सप्लाई कर रहे एक्सटर्नली +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ऐसे समझ सकते हो वो अंदर की तरफ एनर्जी, हम उसको बाहर की तरफ एनर्जी दे रहे हैं, तो कम्प्लीटली नेट इसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी और बाहर निकल आ जाएगा। सो इट विल मेक इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम द एटम एंड द एटम बिकम आयनाइज्ड। आयनाइजेशन का मीनिंग यही है ना कि अगर मैं लेता हूँ बेरिलियम आयन, बेरिलियम का आयन यहाँ पे प्लस लिखा है, मतलब क्या है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को उड़ा दिया हमने, दैट इज आयनाइज किया हमने, आयन का मतलब यही होता है कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करो, हम आयनाइजेशन पढ़ रहे, दैट इज हम एनर्जी पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को कितनी सप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। हमने कहा कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी सप्लाई करो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट में है, लेट्स से इलेक्ट्रॉन इज इन द थर्ड ऑर्बिट, यहाँ से इसको रिमूव करना है कम्प्लीटली, तो कितनी एनर्जी सप्लाई करेंगे, +1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी हम एनर्जी से सप्लाई करेंगे तो ये बाहर निकल आ जाएगा, ठीक। सो और इसको दूसरा वर्ड हमने यूज किया बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी इज नथिंग बट द सेम, दैट इज इन दिस केस फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज आयनाइजेशन एनर्जी एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो बाइंडिंग एनर्जी इज नथिंग बट आयनाइजेशन एनर्जी विच इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी होती है -13.6, तो मैग्नीट्यूड लोगे तो बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये फिनोमिना है। तो उसके बाद हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर आयनाइजेशन। अगर इस इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से हमें रिमूव करना है तो जस्ट हमने देखा कि +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी सप्लाई करो भाई इसे, अगर हम थोड़ी एक्सेस एनर्जी सप्लाई कर दे तो जो फोटोन आ रहा है, जो टॉर्च से हम इसे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से दे रहा है, तो ये एक्सेस हो गई ना आयनाइजेशन से भी ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन के पास ये जो डिफरेंस है 15 में से 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये क्या करेगा, आयनाइज मतलब इसके ऑर्बिटल से बाहर निकलने के लिए यूटिलाइज करेगा, बची कितनी 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये उसके पास अभी एक्सेस है, ये एनर्जी से अभी ये क्या करेगा, ये ट्रैवल करेगा, ट्रैवल करेगा मतलब उसके पास अभी वेलोसिटी आ गई, अभी इसके पास वेलोसिटी मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, विद दैट काइनेटिक एनर्जी ही विल ट्रैवल फर्दर,
तो ये 1.4 एनर्जी एक्सेस का उसका क्या करेगा, इट विल पजेस द काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, सो वेन एवर अ फोटोन एनर्जी विच इज मोर देन द बाइंडिंग और द आयनाइजेशन एनर्जी इन एन एटम विच इज सप्लाइड, द एक्सेस एनर्जी ऑफ फोटोन विल अपियर एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो हमने फॉर्मूला बना दिया, फॉर्मूला क्या बनाया हमने, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू फोटोन एनर्जी दैट इज जो एक्सेस हम सप्लाई कर रहे हैं 50 माइनस बाइंडिंग एनर्जी दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यहां से हमें मिल गई इसकी काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, अब देखते हैं डी एक्साइटेशन ऑफ एन एक्साइटेड एटम.